पार्टनरशिप is the relation partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. ये डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 ने दी है, सेक्शन 4. सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 इस डेफिनेशन को आपको देता है. चलिए हम डिस्कस करते हैं ये डेफिनेशन आपसे आखिर क्या कहती है. यानी ये तो श्लोक की तरह हो गया कि कानून ने कुछ को दिया, कुछ कहा है. इस श्लोक का क्या मतलब है इसको समझते हैं. क्या इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड बातें छुपी है? तो यस, शायद इसके कुछ बारे में आपको बताना चाहते हैं. तो चलिए लेट अस डिस्कस अबाउट दिस डेफिनेशन. तो ये कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन. पार्टनरशिप कुछ लोगों के बीच एक संबंध है, कुछ लोगों के बीच, बिटवीन द पर्संस. कहता है कि पार्टनरशिप कुछ लोगों के बीच एक संबंध है. अब सवाल उठता है कुछ लोग कितने लोग हैं? सर शायद 10 लोग होंगे, शायद 20 लोग, या शायद एक तो लोग नहीं हो सकते. इसका मतलब पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस. ये पर्संस के बीच में रिलेशन है. तो ये क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग तो होंगे. यानी कि उसके लोग बनने के लिए, पर्सन बनने के लिए कम से कम 2 होने चाहिए. तो पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर्स 2 होते हैं बच्चों. इस बात से अब आप समझिएगा. सर क्या है ये पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप है. ये रिलेशनशिप म्यूचुअल रिलेशनशिप है. यानी अगर पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं होगा तो शायद वो पार्टनरशिप बिजनेस ही नहीं चल सकता. इसलिए बहुत जरूरी है कि एक बिजनेस को एज अ पार्टनरशिप चलाने के लिए देयर शुड बी म्यूचुअल रिलेशनशिप. एंड इफ म्यूचुअल रिलेशनशिप does not exist, then partnership firm cannot survive and cannot be carried on. This is not possible at all. So partnership के लिए mutual relationship, यानी ये इसके features आ रहे हैं कि इसमें mutual relationship होने चाहिए, इसमें कम से कम जो है वो 2 लोग होने चाहिए. अब ज़्यादा लोग कितने हैं वो तो कम से कम definition section 4 ने, जो partnership act 1932 है बच्चों, वो आपको नहीं बताता. शायद कुछ आगे बताए, तो देखेंगे हम लोग ये हमें कौन बताएगा. आगे कहते हैं who have agreed to share the profit of a business. ये कौन लोग हैं जो इकट्ठे हुए हैं? बेसिक इनका सबसे बड़ा मोटिव है कि ये प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं. दे ऑल कम टुगेदर टू शेयर और टू डिवाइड द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस. जिस बिजनेस के प्रॉफिट को ये आपस में बांटने के लिए इकट्ठा हुए. सर इसका मतलब हमें ये समझ आया कि बिजनेस का प्रॉफिट बांटा जाएगा पर लॉस नहीं. बिल्कुल गलत. आप लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ प्रॉफिट बांटा जाएगा, लेकिन यहाँ लिखा प्रॉफिट है बट ये अंडरस्टूड है कि अगर लॉस होगा तो लॉस भी शेयर होगा. सर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कभी लॉस शेयर ना करना पड़े? सर कभी ऐसा कुछ तो याद रखना, जो माइनर्स होते हैं उनको ऐसे कुछ प्रिविलेज्ड हैं, उनको प्रिविलेज्ड हैं कि वो लोग अगर लॉस होगा तो वो नहीं बांटेंगे. सर अगर कोई पार्टनर, तो आपने अपने बिजनेस में आपका कोई पार्टनर माइनर है तो उसे लॉस नहीं डिवाइड करना होगा. अदरवाइज हमेशा सभी लोगों के बीच में प्रॉफिट भी डिवाइड होंगे और लॉसेस भी डिवाइड होंगे. सर किस रेशियो में डिवाइड होंगे ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं. ये तो डेफिनेशन नहीं बता रही, पर माइनर के केस में आपने देखा कि माइनर्स हमेशा अलग से ट्रीट किए जाते हैं. जैसे आपने अभी देखा कि निर्भया केस में सभी दोषियों को फांसी की सजा मिली. दे ऑल हैव बीन हैंग्ड, लेकिन उनमें से जो माइनर था उसको सजा नहीं हुई. समझ लीजिए ये कानून के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि उन्होंने माइनर को बोला कि आप लॉस में शेयर नहीं करेंगे, और हाँ अगर प्रॉफिट होगा तो माइनर तुम जरूर उसमें अपना शेयर मांग सकते हो. आगे हम लोग बात करते हैं कि कहते हैं कि who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. कहते हैं कि ये बिजनेस उन सभी का अधिकार बनता है कि वो इस बिजनेस को चलाएं, वो सभी इसमें एक्टिव पार्ट लें. They all have right to take active part in the business operations and अगर वो चाहें तो अपने इस राइट को एक्सरसाइज करें. कोई भी एक पार्टनर या कुछ मिलकर पार्टनर किसी के इस अधिकार को नहीं छीन सकते कि नहीं पार्टनर तुम इस बिजनेस में नहीं आओगे, तुम्हारा अधिकार नहीं है. हाँ, जब प्रॉफिट होगा हम बुला लेंगे, लेकिन बीच में मत आना. ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं हो सकता. यानी हर पार्टनर का एक अधिकार बनता है कि वो उस बिजनेस ऑपरेशंस में एक्टिव पार्ट ले, वो देखें कि इसमें क्या हो रहा है, उन बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करें. लेकिन अगर सभी पार्टनर अपने अधिकारों का प्रयोग करें और सभी लोग इस बात को महसूस करें, इस बात को समझें कि नहीं, हम सब लोग इस बिज़नेस में एक्टिव पार्ट नहीं लेंगे, बल्कि हम ये सारे बिजनेस ऑपरेशन किसी एक खास पर्सन को, किसी खास पार्टनर को असाइन कर दें, तो वो पार्टनर भी हमारे बिहाफ पर इस बिज़नेस को चला सकता है. यानी यहाँ साफ कह रहा है और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि सभी चाहें तो ये अपना अधिकार, यानी जो उनका अधिकार है टू टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, दे कैन असाइन दिस राइट to any particular partner and such particular partner can look after the business activity and can run the business for or on behalf of all the partners. So this is the definition given by the Partnership Act 1932 and the section is section 4.